तो महादेव की कृपा से हुआ है भरपूर। मैया बा रहे हैं तीन दिन पूरा, आप आए तीनों दिन पक्का है ना, और बाकी भक्त लोग भी बहुत ज्यादा। अच्छा बात बताता हूँ कांसाबेल के लिए, कांसाबेल वाले लोग को सभी लोग जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों आज का ये ब्लॉग बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि कांसाबेल के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है हमारे तुर्केश्वर धाम में। जहाँ मैं खड़ी हूँ आप लोग देख सकते हैं, ये तुर्केश्वर धाम है। यहाँ पे 11,000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया गया है और बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। आगे आप लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ पे किस तरीके से पूरा सेलिब्रेट किया गया है हमारा 11,000 पार्थिव शिवलिंग का कार्यक्रम को। एक मिनट समय दे रहा, एक मिनट चलो से। तो आज लास्ट डे है बट फिर भी मैं आज आ ही गई यहाँ पे, तो आइए जानते हैं पहले बोल बम। आप लोग पूरा तीन दिन का रिव्यू दीजिए, कैसा रहा, कैसे तैयारी किए, सोचे थे कि इतना अच्छा हो पाएगा या हो पाएगा? सब महादेव की कृपा से हुआ है, भरपूर पानी गिरने के बाद सच में गांव वाले का सहयोग की वजह से पूरा सफल रहा। हम लोग सोचे ही नहीं थे इतना बढ़िया। 11,000 शिवलिंग कब बना पता नहीं लगा, मेरी माता बहने सब मेरा साथ दी, सबको मैं धन्यवाद, पूरे ग्राम वासियों को, पंडितों को, सबको धन्यवाद देना चाहूंगी। तीन दिन आप पूरा फास्ट भी रहे हो? चलिए बहुत बड़ी बात है। कल शिवरात्रि था, बेल के नीचे भी पूजा हुई, पार्थिव शिवलिंग की। अब पिछले तीन दिन से लगातार भारी बारिश हो रही है, भारी बारिश हो रही है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे कैसे पानी भरा। एक तरफ उसमें भी नहीं, सही बात है, सबको साथ दिए सारे। हाँ हाँ महाराज जी, आपके तरफ भी आ रही हूँ, आइए ना थोड़ा। अभी यहाँ महाराज जी भी बहुत अच्छा से पूजा करवाए, महाराज जी भी बहुत अच्छा पूजा कराए। मेरे लिए था क्या? नहीं नहीं, बच्चे लोग के लिए था। ठीक है ठीक है, चलिए ठीक ठीक। सो रही है ना, पंडित जी का धन्यवाद। अच्छा क्या का धन्यवाद मेरे लिए? एक्सेप्ट तो कीजिए धन्यवाद को, कृपा है प्रभु की, कृपा के बिना कुछ नहीं होता, प्रभु उन्हीं की माया है। बोलिए धाम में बहुत मजा आया, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बोल बम। ठीक है पंडित, ऐसा और बहुत ही चकाचक इन्होंने जो भी पूजा पाठ का मंत्र उच्चारण किया, एकदम उच्चारण किया, बहुत ही जबरदस्त किया। अच्छा, और ऐसे महाराज को अधिक से अधिक बुलावा देना चाहिए, ताकि बहुत ही उत्सव जैसा लगा हम लोगों को, बिल्कुल मेला जैसा। नहीं, आप लोग सोचे थे क्या कि तुर्केश्वर धाम मतलब इतना ज्यादा ग्रो कर जाएगा? देखिए मौसी इधर आइए, कहाँ जा रहे हैं? बोल बम, बोल बम, तुर्केश्वर धाम की। कैसा लगा आपको तीन दिन? बच्ची को छोड़ छोड़ के आए? अच्छा लगा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हमारा सौभाग्य है आज 50 साल में यहाँ पे रुद्राभिषेक पार्थिव शिवलिंग का पूजा हुआ। महादेव बताइए, तीन दिन का कार्यक्रम, अब तो तुर्केश्वर धाम में पहले कोई आते नहीं थे, अब तो यहाँ भीड़ इतनी रहती है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ये सब भोलेनाथ की कृपा से हो रही है। सही बात, आपकी भी है कहीं ना कहीं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल है, आपने बहुत सहयोग किया है। सौभाग्य हूँ कि भाई मैं कांसाबेल की धरती पैदा हुआ हूँ। नहीं वो तो है, आप नहीं, मैं देखती हूँ कई बार गंगा मैया बह रहे हैं। हाँ, वो भी शिव जी के जटा से नाक कौन काट दिया, वो तो है तो यहाँ पे। मेरे को सबसे सौभाग्य मेरे को ही लगता है कि गंगा मैया भोलेनाथ की जटा से बह रहे हैं। और अभी जो कार्यक्रम हुआ बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। हाँ, जैसे फर्स्ट दिन भी अच्छा हुआ। अब इतना बरसात की मत मुझे, फिर भी कार्यक्रम नहीं रुका और भीड़ भी उतनी ही। तीनों दिन हुआ ना इंद्र देव को, तीनों दिन इनकी। हाँ, भारी बारिश होने के बाद भी कार्यक्रम अच्छा हुआ। तो आइए पंडित जी से पूछते हैं अभी कि यहाँ पे भंडारे का कार्यक्रम कैसे है, और थोड़ा मंदिर के बारे में भी बताएं। यहाँ पे ये जो मंदिर बन रहा है, हाँ, माता रानी जी का मंदिर निर्माण हो रहा है, और ये मंदिर जो है बनते जा रहा है धीरे 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 धीरे। तीन गुंबज बनेंगे इसमें। अच्छा, तीन गुंबज, तीन गुंबज बनेगा, दो गुंबज कंप्लीट हो गया है, एक गुंबज बचा है। अच्छा, और आगे गर्भगृह रहेगा, अभी अव्यवस्थित होने के चलते जहाँ आ रही हूँ भैया, आप खा रहे हो, मैं देख रही हूँ जो हर हर महादेव आचार्य जी का थोड़ा सा ले लो पहले। नहीं, आपको तो ऐसे खाते हुए लेंगे रिव्यू। बताइए कैसा रहा आपका तीन दिन का, बोलो पहले। आनंददायक रहा तीन दिन। हाँ, तीन दिन पूरा, आप आए तीनों दिन?
दिन पक्का सच बताइए। अच्छा आज और कल? हाँ और केशव भैया बहुत अच्छा रहा। हाँ आप आए मतलब तीनों दिन? तीनों दिन नहीं है, दो दिन। ठीक ठीक बारिश और आज तो आखिरी का और अच्छा था बोलो। भंडारा है कैसा है भंडारा? अरे सर राधे हर हर महादेव बोल बम सर साहब। हाँ सर बताइए कैसा रहा आप लोग का कार्यक्रम? त्रिदिवसीय कार्यक्रम में ज्योति गुप्ता जी और उनकी धर्म पत्नी राखी देवी देवी दिव्याणी के द्वारा किया गया है। यस सर बढ़िया कार्यक्रम था। 11,000 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन अर्चन पहली बार हुआ है कासा में। कासा में पहली बार इतनी बारिश के बाद भी इतना उत्साह महिला मंडल के द्वारा देखा गया। सच में आप समिति का अपार सहयोग मिला है, नगर के लोगों का सहयोग मिला, आपका भी सहयोग रहा, भैया का भी सहयोग रहा, लगे रहते हैं लोगों के माध्यम से लोगों तक पहुँचे। जी भगवान भोलेनाथ का पूजा अर्चन करें। जी ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बिना खाए पिए रही है भिखारी। ये देखो बिना खाए पिए पूजा की है। विशेष हमारी भाभी जी पाएगी। लेकिन सर देखिए एक चीज तो है कि किसी भी चीज का पहल करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना? अगर आप होना चाहिए। हाँ पहल जो होता है उससे कई लोग लाभान्वित होते हैं। हाँ बस मन में होता है लेकिन कोई कार्यक्रम को मोड़ तक लेने का एक व्यवस्था नहीं बन पाता। और ऋषि गुप्ता जी और उनका परिवार शुरू से ही बहुत भगवान के प्रति अनन्य भक्त रहे हैं, इसलिए ऐसा अनुष्ठान हमेशा करते रहते हैं। आगामी समय में भी हम आयोजन करेंगे कि अगले शिवरात्रि और भव्यता के साथ ये कार्यक्रम हो। सही बात। हमारे महाराज जी का विशेष सहयोग हुआ है इसमें, पूरा संगीतमय अच्छा ये कार्यक्रम हुआ है। सबसे बड़ी अच्छा बात ये है। हाँ महाराज जी के लिए भी धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर। बोलबम बताइए इनसे मिलिए। अच्छा लगा, इतना गदगद लगा, इतना भक्ति हुआ, कासा बहन में पहली बार हुआ है। यहाँ पे लोगों का कहना है कि हमारा उम्र इतना बीत गया, बचपन से लेके हम इतना बड़े हो गए, इतना उम्र हो गया कि हमारा शादी विवाह यहाँ पे होके हम सारा कुछ यहाँ पे किए, लेकिन यहाँ पे अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन भी यहाँ पे ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हुआ था। हाँ। ये मेरे लिए सौभाग्य का बात हुआ कि भोले बाबा ने मेरे को यह पूजन और इसका अभिषेक करने के लिए मेरे को चुना। यह 3 दिवसीय जो रुद्राभिषेक था 11,000 पार्थिव शिवलिंगों का था, जिसमें हमारे जो यहाँ के तुर्केश्वर धाम के माता जो समिति बना हुआ है उनका जो योगदान रहा वो बहुत अच्छा रहा। इन लोग आए जिस समय पर आए, ऐसे कब शिवलिंग बनाए, कब क्या हुआ, कभी किसी को समझ में नहीं आया। जो भोले बाबा की इच्छा होती है वो स्वयं अपने आप बनते जाते हैं। हम तो अपना पूजन कार्य शुरू किए, जैसे शुरू करते थे जितनी महिलाएं आती थी सारे अपने इकट्ठे होकर शिवलिंग बनाना प्रारंभ करते थे। पूजा उधर का जो हमारा पीठ पूजा होता है, पीठ पूजा करते करते इधर हमारे शिवलिंग का निर्माण हो जाता है, और शिवलिंग का निर्माण होकर श्री त्रिम्बर रुद्र भगवान का अभिषेक के लिए उनका आवाहन ध्यान पूजा इत्यादि करके उनका के लिए। हाँ हाँ। कासा बेल वाले लोग को सभी लोग ये जानकारी होगा कि नहीं है मेरे को नहीं पता। हाँ। लेकिन यहाँ पे जो शिव मंदिर है, अच्छा शिव मंदिर के पास में जो दक्षिण मुखी हनुमान जी है छोटे वाले, हाँ हाँ, पेड़ के नीचे में हाँ हाँ। आम का पेड़ है और नीम का पेड़ है, वहाँ पे वो कासा बेल वालों के लिए बहुत प्रसिद्धि और बहुत सिद्ध मूर्ति है। वो कैसे कैसे? वो इसलिए क्योंकि जिस गांव में जी अगर दक्षिण मुखी हनुमान जी का मूर्ति रहता है, अच्छा तो वह गांव पवित्र माना जाता है। हाँ। या कोई भी मंदिर हो, हाँ। उसका मुख अगर दक्षिण की ओर हो, अच्छा वो केवल दो ही मूर्ति होते हैं, एक दक्षिणेश्वरी काली माँ का मूर्ति होता है, हाँ। और दूसरा होता है पंचमुखी हनुमान जी का, या तो जो भी हनुमान जी हैं, बस यही दक्षिण मुख की ओर मुख करके अपना अपने भक्तों को कृपा करते हैं। और हाँ। कोई भी मनुष्य का घर हाँ। अगर दक्षिण दिशा की ओर होता है, हाँ। अगर वहाँ पे और उस गांव में उस क्षेत्र में 3 किलोमीटर से 7 किलोमीटर 11 किलोमीटर 9 किलोमीटर ऐसे की दूरी में, या गांव का जो क्षेत्रफल रहता है उस क्षेत्रफल के हिसाब से अगर 1 किलोमीटर का है तो 1 किलोमीटर का जो क्षेत्रफल रहेगा उस केंद्र में अगर कोई भी देवता का मूर्ति अगर स्थापित है, तो वहाँ पे अगर दक्षिण मुखी भी घर का दरवाजा है तो वहाँ वो बोल बम वो कंप्लीट शुभ माना जाता है। हाँ। सब लोग का ऐसा माना जाता है कि नहीं मेरा घर दक्षिण मुख की ओर है तो दक्षिण मुख हमारे लिए शुभ नहीं होता है। अच्छा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी का घर दक्षिण मुख की ओर है तो अगर दक्षिण मुखी हनुमान जी का स्थापना उनके घर के द्वार में करेंगे तो वह दोष का निवारण हो जाता है। ऐसा हमारे पूर्वज और हमारे पूज्य
जो वास्तु के पुस्तकें हैं इसमें दिया गया है। हाँ। बोले त्रिवेश्वर धाम की जय, महापति महादेव की जी जय। अभी ऊपर जाऊंगी, आपको दिखाऊंगी कि देवी जी का मंदिर कितना तैयार हुआ है और वहीं पे भंडारा हो रहा है, तो वहाँ पे चल के 11 शिवलिंग बनाए हैं। ठीक है ठीक है, हो जाता है कई बार, हो जाता है। और इतना भव्य हुआ है। हाँ। इतना आनंद आया इतना तो भगवान ने पानी बरसाया। लेकिन इस बार तो मानना पड़ेगा, कैसे कैसे भैया, 3 दिन पूरा भारी बारिश हुई है। पूरी बारिश हुई। हाँ। खुद ही अभिषेक हो गया उनका, भगवान माँ गंगा ने स्वयं अभिषेक कर दिया 3 दिन तक। प्रसन्न हो गए। हाँ, इस बार बहुत समय के बाद में जिस अपने बचपन में देखा करते थे सावन रिमझिम भरत का बरसता हुआ गरजता हुआ, वो इस बार बहुत समय के बाद मिल रहा है। सही बात ये है कि इस बार ना महाशिवरात्रि, शिवरात्रि जो है सावन जो है, और इसमें ये महाशिवरात्रि जो है, हर कोई को पूजा करना सिखा दिया। सही बात, वो तो सिखा ही दिए। हाँ, वो तो है जी। इतना अच्छा लगा, इतना आनंद लगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। सही बात है, भोले बाबा को सजाना है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो राधे 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 राधे। आप बताइए कि कैसा लग रहा है, ज्योति मामी तो पूरा 3 दिन फास्ट रही हैं। अरे मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या पूजा कर रहे हैं, मेरे को भी नहीं समझ आ रहा था। फिर बाद में मैं तो कभी देखी नहीं थी। हाँ। लेकिन जब शुरू की करना पड़ा तो मैं ही की। अच्छा। हाँ। ओ, अभी बीच में वो लोग बगीचा भी गए थे, मैं मिली थी तो बता रहे थे, तो वहाँ पे भी काफी अच्छा रहा। सब गुथना शुरू करी, फिर अपने आप सब आने लगा, अपने आप शिवलिंग बनाने लगे और सारा कार्यक्रम बहुत अच्छा हो गया। तीन दिन बढ़िया लगा। ठीक है, अगली बार कहाँ जा रहे हैं फिर घूमने बताइए, सोमनाथ। ठीक ठीक, चलते हैं कहीं। तो आइए भाई लोग से पूछते हैं। ये देखो, ये डॉन लोग हैं हमारे। कैसे भाई लोग, कैसा रहा बताओ 3 दिन? सब मेन बैकग्राउंड जो सबसे बड़ा सपोर्टर होता है ना, ये लोग हैं। देख लो आप लोग, सबसे बड़े सपोर्टर लोग। ये कार्यक्रम इनके बिना तो एकदम पॉसिबल नहीं होता। कैसे बताओ प्रतीक, बस खाओगे बताओ तो सही, हलवा खा रहे हैं। देखो ये देखो, सुबह से तैयारी में लगे हुए थे। अच्छा, तो कौन सा रहा आपका? अच्छा रहा, बढ़िया रहा। इतना ज्यादा जो भी यहाँ पे कार्यक्रम होता है आज की डेट में यहाँ तुर्केश्वर धाम में, तो पहले तो कभी इतना कुछ होता नहीं था। नहीं होता, लेकिन देखो दिन ब दिन इतना जो ग्रो कर रहा है, ये क्यों, क्या रीजन है? सब बाबा की कृपा है। बस ये एकदम 100 बात की एक बात बोल दिए कि सब बाबा की कृपा है। आया करो यहाँ पे हमेशा, हमेशा ही आते हो ना। हाँ, कुछ बता दीजिए आपने YouTube ब्लॉगर मीनाक्षी, ब्लॉगर मीनाक्षी। हाँ, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अच्छा लगा बेटा जी। यहाँ पे अभी पूछते हैं ज्योति मामा जी से। अरे नीचे बैठ गए। गुड, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलबम बोलबम। आप मेरे को याद किए कि नहीं, पहले ये बताइए। पूरा पूरा याद कर रहा था, लेकिन मैं देख रहा था दीदी आ रही है, आप नहीं आ रहे हैं। मैं बोला ये स्कूल में बिजी है। लास्ट दिन आएगी और यूट्यूब बनाएगी, मेरे को मालूम था। चलो कम से कम आपको इतना तो था कि आएंगे। चलिए बताइए कैसा रहा 3 दिन आप लोग? बहुत अच्छा, 3 दिन लगातार बारिश होते रहा, भारी के बाद भी यहाँ पे जो कुछ हो पाया उतना अच्छा से अच्छा व्यवस्था बनाए। हाँ, हाँ, है ना। हाँ, और बाकी भक्त लोग भी बहुत ज्यादा एंजॉय किए यहाँ पे। हाँ, है ना। और मेरे को बोले हैं कि अगले साल भी ऐसा आयोजन होना चाहिए, इससे भी भव्य करेंगे, इससे भी भव्य होगा। सही बात है ना, और अच्छी व्यवस्थाओं के साथ में होगा। हाँ, है ना। इस बार पहले तो हम लोग नीचे का सोच रखे थे, लेकिन पानी उस जगह में पूरा भरते गया। हाँ, और इसलिए फिर जगह। लेकिन मैं अभी भी सोच रहा हूँ आप लोग व्यवस्था कैसे किए, देखो ना पूरा तो खाली खाली है इतने भारी बरसात में। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा वो करना पड़ा, हम लोग को मेहनत करना पड़ा, बाकी बहुत अच्छा रहा। सभी को भी बहुत अच्छा इसमें सहयोग दिए, गाँव वाले पूरा, मतलब खास तौर से महिलाएं बहुत बहुत ज्यादा आई, है ना। और 11,000 जो 5वें शिवलिंग बना उनको भी बहुत अच्छा लगा ये, क्योंकि कांसाबेल के इतिहास में पहला कार्यक्रम था। हाँ, है ना। हाँ। अब अगली बार उससे कहीं ज्यादा और सही भव्य करेंगे जी। और इसका फल कहीं ना कहीं हम लोग को मिलेगा, देखते हैं कि क्या अच्छा होता है कांसाबेल में, और है ना जी। तो बोलबम बोलबम बोलबम। तो बहुत ही भव्य कार्यक्रम यहाँ पे हुआ, और अभी मैं जा रही हूँ रिटर्न। और कुछ हालत हमारे तुर्केश्वर धाम की ऐसी है, जहाँ हमको थोड़ा सा भी पानी नहीं दिख रहा था, ये देखो आप लोग
अगर कोई गर्मी का मेरा ब्लॉग देखा होगा तो उसको मालूम होगा कि यहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं था, बट अभी देखो भाई पानी जो है ना यहाँ से ऐसे पार हो जा रहा है पूरा, जबकि ऑलरेडी यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गड्ढा है। मैं आपको बता दूँ, हम लोग जनरली आते हैं ना तो आप लोग देखना वहाँ पे हम लोग फोटोज़ वगैरह लेते हैं, लेकिन वहाँ का लेवल देख रहे हो आप लोग भाई साहब, नेक्स्ट लेवल। बट ना बहुत अच्छा लग रहा है यार, जेन्युइनली बताऊँ तो यहाँ पे मुझे इससे आप समझ जाओगे कितनी बारिश हुई है अभी पिछले दो दिन में, और उसके बाद भी 11,000 शिवलिंग का यहाँ पे, पार्थिव शिवलिंग का यहाँ पे निर्माण किया गया। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे विसर्जित किया गया है उसको, सब भोलेनाथ की कृपा ही है, लोगों के मन में आस्था है। वो देखो आपको वहाँ भी चल के दिखाती हूँ, नहीं इतना ज़्यादा पानी है भाई, थोड़ा सा भीग लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जाएंगे और आपको दिखाएंगे ज़रूर। देख रहे हो ना दोस्तों क्या क्या करना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए, और आप लोग लाइक तो क्या करो कम से कम। ये देखो भाई नेक्स्ट लेवल फीलिंग देख रहे हो आप लोग यहाँ की, मैं ना वहाँ जाने वाली हूँ, ठीक वाओ। दोस्तों ये देखिए आप लोग, आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बोल बम हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तुर्केश्वर धाम के लिए एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज लाइक कीजिएगा।